सफल आदतों का फार्मूला। सफल आदतों का फार्मूला क्या कहता है? आर यू रेडी? सफल आदतों का फार्मूला कहता है अपनी बुरी या नॉन प्रोडक्टिव आदतों को पहले तो जानो। जिसको पता ही नहीं है कितनी कमियां हैं, जिसको अपनी गिरेबान में ही झांकना नहीं है, जिसको ये खबर ही नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरी कौन सी आदतें मुझे नुकसान पहुंचा रही है, उसको तो क्या रास्ता दिखाएं? रास्ता उनको दिखाया जाता है जिसमें कुछ प्यास है, जिसमें कुछ भूख है। अकबर के दरबार में 56 भोग लग गए। अकबर ने आदेश दिया भोजन शुरू करो, सबने खाना चालू कर दिया, लेकिन एक आदमी के हमेशा कीड़ा चलता था, बीरबल। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? काश वो होती तो। अरे खा ले बाद में बता। नहीं, काश वो होती तो। ले बता कौन होती तो। काश भूख होती तो। बिना भूख के 56 भोग भी खट्टी डकारे लाएंगे, और भूख होगी तो 3 दिन की सूखी रोटी भी असर करेगी। आप में भूख चाहिए पहले तो कि मुझे मेरी बुरी आदतों को मिटाना होगा, मुझे मेरी गलत आदतों को हटाना होगा। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी जमीन में काम होगा तो पहले जमीन की सफाई होना जरूरी है, तब बिल्डिंग बनेगी। आप भी 2 दिन में पहला घटना, पहला वर्कशॉप आपकी आदतों का जो ढांचा है ना, उस ढांचे को तोड़ना होगा, वो ढांचा नया निर्माण करना होगा। उस ढांचे से आपका नई बिल्डिंग खड़ी होगी। आपको अपनी बुरी और नॉन प्रोडक्टिव आदतों को जानना होगा। आज भी इस जमाने में लोग जहां अमीर बनने की सबसे ज्यादा इस युग में संभावनाएं हैं, क्योंकि ये वो युग आ गया। आपको पता है पिछले 50 वर्षों में इतने अरबपति बने जितने 500 वर्षों में नहीं बने। ये विश्व का सबसे अच्छा युग है अमीर और कामयाब बनने के लिए। और ऐसे युग में अगर आप अमीर और कामयाब नहीं बने तो बच्चे बुरसेट खींच के पूछेंगे, बापू तू कहाँ गया था? अरे कि मैं गया तो था यार, मेरा ध्यान नहीं था। अरे आने वाली जनरेशन बहुत भारी है भैया। आने वाली जनरेशन सवाल पूछेगी। आने वाली जनरेशन 4G 5G 6G अपन बेरुजी भोमैजी तेजाजी कैसे सॉफ्टवेयर फाइल मैच खाएगी, कैसे सॉफ्टवेयर सेट होगा? आपको अपनी नॉन प्रोडक्टिव आदतों को बदलना होगा। जिस युग में इतने लोग अमीर बन रहे होंगे, उस युग में आप टीवी में अपना जीवन दे रहे हो, बच्चों को हिसाब देना होगा। आप अखबार में अपनी जिंदगी का 5 घंटा दे रहे हो, हिसाब बताना होगा। टिकटॉक पे 5 घंटे दे रहे हो, हिसाब देना होगा। सोशल मीडिया पे 5 घंटे दे रहे हो, देना होगा हिसाब, क्योंकि यही समय जिंदगी का अमीर और कामयाब बनने का है। यही समय आपको आगे लेके जाएगा। नई आदत को परिभाषा दो कि नई आदत बनती कैसे है, आपके लिए उसकी डेफिनेशन क्या है। तोड़ दो बुरी को और नई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस पहले आदत के बाद आपकी जिंदगी नई दिशा में जाने वाली है। अब आपकी जो बिल्डिंग बनेगी वो इतने बड़े कॉलम पे बनेगी कि आप 50 मंजिला खींच पाओगे, लेकिन नीचे छेद रह गया जहाज में तो डूबेगा। इसलिए पहला टॉपिक आपको ये जीवन भर याद रखना कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य। सब लोग नहीं बोल रहे, आपकी आदतें ही आपका भविष्य, आपकी आदतें ही आपका भविष्य। तो तय करने के लिए अगर आपकी आदतें जिम्मेदार है, तो आदतों के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद। आपको खुद को निर्माण करना होगा उन आदतों में। अब आपके लिए प्रैक्टिकल वर्क, लिखने वाली बुक है आपके पास, डायरी है, रेडी हो जाओ। और पहला वर्क, वो आदत जो मुझे पीछे खींच रही है, वो नाम लिखो उस आदत का और उसके नतीजे लिखो। वो सारी आदतें जो आपको पीछे की तरफ धकेलती है, जो आपको पीछे की तरफ लेके जाती है, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, गरीबी की तरफ लेके जाती है, नाकामयाबी की तरफ लेके जाती है, लिखो। और जो आज नहीं लिखेगा, ये समझ लेना फिर जीवन में दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा अपनी बुरी आदतें लिखने का। और कोई दूसरा आदमी पड़ोसी की तरफ देखेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी निजी है भैया, वो उसकी पर्सनल है। और मैं एक वादा कर रहा हूं, गंदी से गंदी हो, बुरी से बुरी हो, लिख देना साली को जला दूंगा मैं आज। आप लिख देना उसको, लिख देना। और दोनों चीजें लिखना, लेफ्ट में आदत का नाम और राइट में नतीजे लिखना। कौन सी बुरी आदत है जो जकड़े हुए है वर्षों से? कौन सी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो रेशे से अब रस्सा बन गई, जो अब मुझे जकड़ चुकी है? वो लिखना और नतीजा लिखना। पहले तो मैं आपको पिछले कई मीटिंग्स में और ट्रेनिंग्स में आपको बता चुका हूं, मैंने एक बार मेरे स्वप्न का जिक्र किया था, भूकंप वाले स्वप्न का जिक्र किया था। मैंने कई बार आपको यह बताया है कि चीजों को लिखना और उनको डिस्ट्रॉय कर देना कागज में, उसका बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज अगर छूट गई ना इसमें आदत, तो जीवन भर चिपक जाएगी आपसे आदत। और लिख दी अगर आज, तो आज इसको जाके जला देना कागज को। इस कागज को जो अभी लिखवा रहा हूं ना, ये जलाने वाला कागज है, इसलिए लिख देना सब कुछ। और मेरे को बता देना आप अगली ट्रेनिंग में जब आपसे मिलूं तब, कि सर मैंने लिखी थी
और वो जलाई थी और वो मिटी नहीं, मैं मेरे जीवन का सब कुछ आपके नाम कर दूंगा, आप पूरी ईमानदारी, क्योंकि इस घटना में कितने परमाणु काम कर रहे हैं पता है आपको, आपकी ईमानदारी का पूरा रोल इस कागज पे आएगा, आपके चरित्र का पूरा रोल इस कागज पे आएगा, आप उसको मिटाना चाहते हो कि नहीं मिटाना चाहते हो वो इस कागज पे आएगा। इसलिए लिखो आज आप अपनी बुरी आदत, चाहे ढक के लिख लो, छुपा के लिख लो, लेकिन लिख के और उसका नतीजा भी सामने लिखना। माँ कसम, जिस दिन मैं अपने वर्कशॉप की ये तैयारी कर रहा था ना, जब इस वर्कशॉप की, तो मैं अपनी बुरी आदतें लिखने पहले बैठ गया, कागज पे लिखी और जला दी, लिखी और जला दी, क्योंकि मुझे इसके महान परिणाम पता है कि बुरी चीज़ों को नष्ट करने के लिए फार्मूला क्या है, कागज पे लिखो और जला दो, और जिनका निर्माण करना है कागज पे लिखो और दीवारों पे चिपका दो। यही सृजन करने का है, यही विध्वंस करने का तरीका है। आपको अपनी बुरी आदत लिखनी है लेफ्ट में, उसका नतीजा लिखना है और इसको रखना है और शाम को इसको जला देना है। आप लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी पूर्ण ईमानदारी का परिचय देने का प्रयास करना। और फिर भी अगर आपको लगता है कि यहां इस जगह नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं आपके लिए ऑफर छोड़ रहा हूं, चाहे एकांत में लिखना, अपनी जीवन की विध्वंस से विध्वंस बुरी आदत को लिख देना, फिर उसका नतीजा लिखना, उसका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना। दोनों रास्ते दे रहा हूं आपको, दोनों। मेरा साथी तो करोड़ गुना गलती हुई हो मेरे से, पाप से महापाप हो रहा हो ना, तो मैं लाख के बीच में बोल ही देता हूं, ये जलाने तो छोटी है मेरे लिए, मैं बोल दूं लाख के बीच में। आपको मैं कह रहा हूं, अभी लिख सको अभी लिखना, नतीजे लिखना और जला देना। अभी नहीं लिख पा रहे हो कोई चिंता नहीं, लेकिन इस बात को भूलना मत, मेरा वर्कशॉप का मतलब हमेशा लाइफ में ये रहा है कि जो बोल रहा हूं, जो करवाना चाह रहा हूं, जो कर रहा हूं, उसको लाइफ में मूर्तिक रूप देना चाहता हूं, उसको इम्प्लीमेंटेशन के रूप में लेना चाहता हूं। इसलिए अपनी बुरी आदत का नाम लिखना और नतीजे लिखना, ये आपके लिए प्रैक्टिकल वर्क है। आप लोग लिख चुके हैं, आगे बढ़े सर। अब लिखो कौन सी नई आदत है जो सफलता की तरफ लेके जाएगी, जो आपको अब बनानी है। ये कागज को संभाल के रखना, ये जलना नहीं चाहिए। वो कौन सी नई सफल आदत है जो आज के बाद आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, निर्माण करनी है, ये आपको लिखना है। वो कौन सी नई आदत है, वो कौन सी अच्छी नई आदत है, वो कैसी भी हो सकती है, आपके प्रोफेशन में बारीकी से आप जानते हो, वो कौन सी आदतें हैं जो आपको आगे लेके जाएगी, जो आपको और आगे बढ़ाएगी, ये आपको लिखना है। नई सफल आदत कौन सी है, नई सफल आदत, नई सफल आदत। आदतों की बात की तो मैंने आज बात अपनी आदतों से शुरू की कि मैंने दो तीन बड़ी मेरे को जकड़ने वाली आदतों को कैसे तूफान की तरह हटा दिया और नई आदतों को शामिल कर लिया। आपको लिखना होगा, आपको लिखना होगा नई सफल आदत, नई सफल आदत, उसका नाम लिखना है और फिर नतीजे लिखने हैं कि अगर यह आदत डल गई कि मैं रोज कम से कम तीन लोगों के घरों में जाके ऐसा रिलेशन बनाऊंगा, मैं रोज तीन से, मैं रोज पांच से, मैं रोज दस लोगों से उनके घरों में उनसे मिलने जाऊंगा, मैं रोज उनसे मिलने जाऊंगा और वो काम मैं ही करूंगा, मैं मेरे सीनियर पे डिपेंड नहीं रहूंगा। अब तक मैं मेरे सीनियर पे डिपेंड रहता था, मैं अपनी बंदूक अपने कंधों पे उठाऊंगा, मैं करूंगा। मैं गुलाम नहीं हूं कि मुझे कार ही चाहिएगी साइट पे जाने के लिए, मैं किसी भी साधन से साइट पे पहुंचूंगा, मैं कैसे भी अपना जीवन वजूद बनाऊंगा। जो जितना ज्यादा ग्राउंड वर्क करता है उसके ऊपर लोगों की करुणा भी उतनी आती है। दिखावा नहीं करूंगा, ऐसी मैं कई बातें, आपकी जगह होता तो आज लिख रहा होता, मैं लिख रहा होता मैं संसाधनों का मोहताज नहीं रहूंगा, मैं लिख रहा होता मैं डेली पांच लोगों को कन्विंस करने जाऊंगा उनके घर पे, घर पे जाके मिलूंगा, केवल फोन पे नहीं, क्योंकि फोन पे मैं दिखा नहीं पाता हूं। फोन पे जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ बात करता हूं, मैं दिखा नहीं पाता हूं। मैं उसको दिखाऊंगा, ग्राफ दिखाऊंगा, फिगर दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा, मैप दिखाऊंगा, वो लोकेशन दिखाऊंगा, वो सारे स्वप्न उसको जब कागज पे प्रिंट पे दिखाऊंगा ना, तब मैं उसको कन्विंस करूंगा और वो साइट पे विजिट करेगा। मैं लिखता, मैं आपकी जगह होता तो मैं वो सारी बातें लिखता जो आपको चाहिए। मैं जीवन भर ये प्रण लूंगा, मेरी साइट जयपुर जिले के आखिरी बॉर्डर पे भी होगी तो मैं उसको जिंदगी में कभी दूर नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिस दिन आपने अपना व्यापार की जगह को दूर बता दिया ना, जाने अनजाने में भी, जैसे हिंदू फिलोसॉफी कहती है
कि अगर आपको मंदिर दूर लग रहा है, हिंदू फिलोसॉफी की बात बता रहा हूं मैं आपको, हिंदू फिलोसॉफी कहती है कि अगर आपको मंदिर दूर लग रहा है तो समझना नरक पास है, समझना नरक पास है। अब सोचो मंदिर दूर लगेगा तो नरक पास होगा कि नहीं होगा? तो अगर साइट दूर होगी तो समझना गरीबी आई रे, गरीबी आई। और ध्यान रखना, सौभाग्य दरवाजा बहुत धीरे से खटखटाता है और दुर्भाग्य दरवाजा तब तक बस छीड़े मारता है जब तक खुल नहीं जाता। इसलिए कभी भी जाने अनजाने में अपने मुंह से ऐसे शब्द मत बोलना जो आपको लगे, क्योंकि ये बात आपके माइंड में अगर घर कर गई ना, दूर है दूर है दूर है, तो क्या मुख्यमंत्री के बंगले के बगल में साइट काटे हैं आपके लिए? आपको हमेशा उस फ्रेमिंग में सोचना पड़ेगा जो फ्रेमिंग आपको और उस व्यक्ति दोनों को सृजन करे, क्योंकि आप कह रहे हो दूर है, हम कह रहे हैं राजस्थान के 30 जिलों के एक राज्य की राजधानी के मेन जगह पे आप हो और उसके सबसे बड़े 5 हाईवे गुजरते हैं, उसमें सबसे ग्रोइंग वाले हाईवे के ऊपर आप हो। ये सब पॉजिटिविटी अगर मैं बेच रहा होता ना, मां कसम रे मैं कभी जिंदगी में नहीं कहता दूर है, कहता तो दूर मेरे प्राणों से रोम रोम से गवाही लगती, सही जगह, पॉल्यूशन जीरो है, धूमर धामर नहीं है, नया सृजन है, नया गुड़गांव है, आने वाला युग है, अब तो वही होगा रे। मेरा सॉफ्टवेयर में वैसा बना लेता हूँ जहाँ पे जैसा रहता हूँ, क्योंकि ध्यान रखना जैसलमेर वाली बकरी के बाल बड़े नहीं करने पड़ते और कश्मीर वाली बकरी के बाल छोटे नहीं करने पड़ते प्राकृतिक रूप से। तो अपने आप को प्राकृतिक बनाओ। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो शाश्वत है उससे मत लड़ो, जो शाश्वत है उससे मत लड़ो। शाश्वत क्या है? साइट वहां है, वो वही रहेगी, तेरे लिए उठ के नहीं आएगी, उससे मत लड़। अपना सॉफ्टवेयर से लड़, अपने सॉफ्टवेयर से लड़, प्राकृतिक रहो। नहीं सरकार होगी तो ही विजिट कराने जाऊंगा। आपको ये पता ही नहीं है जिसके पास बाइक होगी उससे एक आदमी खरीदने का, अगर मैं आपका प्लॉट खरीद रहा हूं और मेरे को किसी का कॉल आया और वो आदमी एक मुझे कार में लेके जा रहा है और एक मोटरसाइकिल पे, मेरे प्राणों से जिसके लिए करुणा और संवेदना रहेगी वो मोटरसाइकिल वाले के लिए रहेगी। क्यों? मुझे पता है यार, ये मेरे ऊपर मोटरसाइकिल जितनी पर्ची फाड़ेगा, कार वाला मेरे ऊपर कार जितनी पर्ची फाड़ेगा, ये मैं एज ए ग्राहक सोचूंगा ना, मैं तो ग्राहक हूं ना भाई। तो मैं ग्राहक हूं कि नहीं हूं? मैं ग्राहक भी हूं ना। तो ग्राहक हूं तो आप सेल्स के आदमी हो, तो मैं मेरी नजरों से देखूंगा, आप अपनी नजरों से देखोगे। तो मैं नोटबंदी के बाद तो मैंने जितनी प्रॉपर्टी खरीदी उतनी जीवन में पहले नहीं खरीदी। तो पहले तो आपके माइंड में अगर ये आ जाए मंदी है, तो आप विश्व के सबसे ज्यादा दगेबाज हो जो अपने से दगा कर रहे हो, क्योंकि मैं और मेरे जैसे कुछ तो होंगे दुनिया में जो ये समझ रहे हैं इस टाइम ही खरीद, ये बाइंग का टाइम है, बेचने का तब आएगा जब ये समय निकल जाएगा, बाइंग का है। तो हम तो कह रहे हैं बाइंग का है, हमारी पूरी कौम कह रही है खरीदने का टाइम है, और बेचने वाले रो रहे हैं बारे बारे कोई खरीदने। अब किधर जा रहे हो? तुम्हारी सोच किधर जा रही है? सॉफ्टवेयर की। मैं हर वो सफल आदत जो अब डालता ना, उसके मैं नाम और नतीजे लिख देता। लिखो नाम और नतीजे, कौन सी आदतें बनानी है, समझ में आई? Yes. नतीजे लिखे, ये कागज मत जला देना, ये जला दिया तो संसार जल जाएगा। ये रखना, वो जलाना जो अपन ने रखा है, राइट?